आपने एक बार भी इससे पूछा जो चेक्स और जो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करवा रही है वो किसके नाम पर है, किसके अकाउंट में जाने वाला है वो पैसा? किसके नाम का? सारे चेक्स तो एम्प्लॉइज के नाम पर जा रहे हैं, उनके अकाउंट में। भाई आप इतने भोले हैं ना कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये सब कुछ दिखावा है। बहुत बड़ा गेम प्लान है इसका। ये जो सो कॉल्ड इसने चेक्स बनवाए हैं ना, ये सब फेक नेम पर। ये सब उन लोगों के नाम पर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये सारा पैसा इसके पास जाने वाला है। ऐसे लोग हमारी कंपनी में ही काम नहीं करते हैं। ये सब फेक अकाउंट्स हैं और ये सारी ट्रांजैक्शंस ये अपने नाम पर करवाने वाली है। सारे पैसे इसके पास जाने वाले हैं। और तो और जब ये सारे चेक साइन हो जाते हैं उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने वाली थी जिसके बाद सब कुछ इसका हो जाता। बहुत ही चालाक है ये भाई। ये सब कुछ करके दिवाली इसकी बनती और आपकी कंपनी का दिवाला बन जाता। That's bullshit. निकिता एक ऑनेस्ट वर्कर है, ये ऐसा कभी नहीं करेगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। Fantastic. कैसे आपकी फैन नंबर वन से ये धोखेबाज नंबर वन बन गई? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं बनवाया। मैं भी ये नहीं मानती। अगर ये अभी को बर्बाद करना चाहती है तो तुझे कैसे पता? तूने पढ़े हैं पेपर? पहले पढ़े थे? दादी, आप इस सबके बीच में मत भूलिए, वरना हो सकता है कि आपको ही बुरा लग जाए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप और भाई बिल्कुल एक दिल के बने हो। आप लोग कितनी आसानी से ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हो। और आपने भी इस लड़की पर भरोसा कर लिया होगा। मुझे तो लगता है कि आपने इसे अपनी बेटी तक मान लिया होगा, बेटी तक कहा होगा। लेकिन आप नहीं जानती कि कितनी बड़ी प्लानिंग कर रही थी हम सबके खिलाफ। हम सबको बर्बाद करने की सोच रही थी ये दादी। इसलिए प्लीज बेटर रहेगा कि आप ना बोले, क्योंकि बाद में जब असली पता चलेगी तो आप फालतू में रोएंगे और वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए लेट मी हैंडल दिस। ये मारा आलिया ने प्रज्ञा के नहले पे दहल। मम्मी जी अब आया है उन पहाड़ के नीचे, अदरवाइज में ये पहले की तरह हमारे ऊपर राज करती है। लेकिन इस वक्त इसका सच सबके सामने आ चुका है और इन पेपर्स पर दिख रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये निकिता ये सब कुछ करी? भाई मैं आपकी बहन हूँ, आपके साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि मुझे इससे पहले दिन से प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे शक था। मुझे लग रहा था कि ये सही लड़की नहीं। और मैं स्टार्टिंग से इस पर नजर रख रही थी और मैं आज भी रख रही थी। जब मैंने हमारे अकाउंटेंट मनोहर को घर में आते हुए देखा, तब मेरा शक और बढ़ा। क्योंकि मनोहर आपको मिलने नहीं, इसको मिलने आया। मुझे समझ में नहीं आता कि वो इसे मिलने क्यों आया। इसीलिए मैंने इनका पीछा किया। और ये कुछ सीक्रेटली कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये उसे कमरे में लेकर चली गई। बता, किसने बुलाया तुझे यहाँ पर? किसके बोलने पे तू ये सब कर रहा है? बोल। क्या निकिता सच बोल रही है या आलिया सच बोल रही है? क्या निकिता ने तुझे 10% देने की बात की थी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मनोहर तुम डरो मत, जो कुछ भी सच है वो सब कुछ भाई को बता दो। देखो तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर तुम सच बोलोगे तो भाई तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम कुछ भी छुपाने की कोशिश करोगे या झूठ बोलोगे तो भाई तुम्हारी क्या हालत करेंगे तुम अच्छे से जानते हो। बोलता है कि मैं बताता हूँ सर, मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर। बीवी बोली उसे त्योहार में ज्वेलरी चाहिए, बच्चों को गाड़ी चाहिए। होता जितनी मेरी सैलरी है उतने में मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ। मैं पिछले 2 साल से मैं उन्हें टाल रहा हूँ, इस बार ये कदम उठाना ही पड़ेगा सर। सर ये जो आपकी सेक्रेटरी सर बहुत चलाक है,
उसने पहले पता लगाया कि ऑफिस में सबसे जरूरतमंद वर्कर कौन है, ताकि वो उसे लालच देकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपनी तरफ कर सके। हाँ, उन्होंने मुझे 10% ऑफर दिया, मैं भी लालच में आ गया। डील ये थी कि मैं उनको सारे पेपर्स बना के दूँ, और जब आप उन पेपर्स में साइन कर देंगे तो मैं आपका सब कुछ बेच कर पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे सर, आपकी बर्बादी नहीं सर, बर्बाद तो आपको ये करना चाहती थी। और आलिया मैडम ने इसे पकड़ा, और एकदम सही पकड़ा है सर। जो आलिया मैम कह रही हैं वो सब सच है, और जो निकिता कह रही है वो सब झूठ है सर। ये कोई आपकी एक नंबर फैन नहीं है सर, ये एक नंबर डिफॉल्टर है, ये आपकी एक नंबर दुश्मन है सर। एक बात बता सरला मुझे, इतना कुछ हो गया इसके बावजूद तू प्रज्ञा को वहां छोड़ के आ गए? अरे अगर वो तन्नू और आलिया उसके साथ कुछ करें तो तू भी नहीं है, हमारी बच्ची तो अकेली पड़ जाएगी ना। आप कह रहे हो ये प्रज्ञा के बारे में? अरे आप ही तो चाहते थे ना कि प्रज्ञा अभी के आसपास रहे, उसके साथ काम करे। आपको तो पता भी था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया, और आप ये सब चाहते हुए भी अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं प्रज्ञा को वहां छोड़ के क्यों आ गई? पीछे क्या मजाक हो रहा है ये? मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब रहे, ताकि अभी की याददाश्त जल्दी जल्दी वापस आए। आपको क्या लगता है सब कुछ बहुत आसान है? आप बूढ़े हो गए हो बीजी, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बूढ़ी होगी तू, मैं अभी तक जवान हूँ, मेरे सफेद बालों पे ना जा, मेरा दिल अभी तक काला है काला। अरे इसीलिए तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी और प्रज्ञा दोनों साथ साथ रहे, उनका प्यार बढ़े, और अभी की याददाश्त फटाफट आ जाए। तो इसका मतलब आप अगर वहाँ जाते तो आप सिर्फ यही देखते कि प्रज्ञा और अभी रोमांस कर रहे हैं या नहीं? मुझे तो रोमांस ही अच्छा लगता है, मैं तो फिल्में भी रोमांटिक पसंद करती हूँ। लो फिर पानी पियो। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अभी और प्रज्ञा हमेशा साथ रहे। आपको तो पता है ना बीजी, कितने प्यार से कितने लाड से हमने प्रज्ञा की शादी अभी के साथ की थी। सोचा था कि अपने राजकुमार के साथ वो हमेशा खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी बीजी मेरा मन यही कर रहा है कि वो कभी ना आए, हमेशा अभी के साथ ही रहे, और वो इस घर में आए भी तो सिर्फ अभी के साथ अकेली। ओ सरला बस कर, आज के तेरे रोने का कोटा जो है ना वो खत्म, बाकी का रोना कल। और वैसे तुम लोग भी वहाँ खाना तो कुछ खा के नहीं आए होगे, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। जानकी भाई कुछ है घर में तो ले आ। खा के तो नहीं आए बीजी। रोना नहीं, सब अच्छा होगा, वो है ना ऊपर वाला बैठा हमारी देखभाल करने के लिए। भैया मुझे बताएंगे इस पेपर पर इसका नाम क्यों लिखा है? आपने लिखवाया या मैंने लिखवाया या घर में से किसी ने लिखवाया? कौन भाई और क्यों? किसी गैर को इतना अपना नहीं बना लेना चाहिए कि आपके खुद के अपनों को चोट पहुंचा। अगर आप इन पेपर्स पर साइन कर देते तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, ये सब कुछ इसके नाम हो जाता। I'm sorry to say, इसे इसकी जगह पर पहुंचाना होगा, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए, और अब ये जेल जाएगी। तुमने पुलिस को तो नहीं बुलाया? दादी अब मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी तो और क्या, इसके लॉयर को बुलाऊंगी यहाँ पर। ये क्या किया तूने? अरे पुलिस को क्यों बुलाया? ये हमारे घर का मामला, सच और झूठ हम देख लेते, तुझे इसे सजा दिलाने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आप लोगों को हो क्या क्या? आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि क्या सही है क्या गलत? अरे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ही ना है इसके साथ, और मैं पुलिस को यहाँ पर इसको सजा देने के लिए नहीं बुला रही हूँ। मैं यहाँ पर पुलिस को इसलिए बुला रही हूँ ताकि वो इस चीज को मेरे या इसके नजरिए से नहीं बल्कि कानून के नजरिए से देखे। अगर इसने गलती की है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि कोई छोटी सी चीज है जो घर में हम लोग बात करेंगे आपस में सुलझा लेंगे? करोड़ों का मैटर है, इतना बड़ा फ्रॉड किया है इसने तो पुलिस को तो बुलाना है। आप में से निकिता अरोरा कौन है?
ये सब ये कहां ले जा रहे हैं आपको? इंस्पेक्टर क्या हुआ, आप क्यों ले जा रहे हैं इन्हें? इन पर मिस्टर अभिषेक मेहरा के साथ फ्रॉड करने का इल्जाम है। इन्होंने धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर देखिए, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं इन्हें जानता हूं, ये ऐसा नहीं कर सकती। वो पता करना पुलिस का काम है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये मिस्टर आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चला इंस्पेक्टर जी। अभी 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 क्या ये सब? अभी तुमने उन्हें कैसे जाने दिया? वो तेरी सेक्रेटरी है, तूने ही तो रखा था ना उन्हें भरोसा करके, तो आज नहीं करेगा? अभी तुझसे ज्यादा उन्हें और कोई नहीं जानता। तू किसी की मत सुन, बस बस अपने दिल से पूछ, तेरा दिल क्या कहता है? क्या तुझे सच में लगता है वो ऐसा कर सकती है? सरला की बच्ची, तेरी टेंशन खत्म हो गई हो और ये लेफ्ट राइट पूरी हो गई हो तो चलो सो जाओ, मैंने बिस्तर लगा दिया। जी, मैं कोई टेंशन नहीं कर रही हूँ। वो मैं तो सोच रही थी कि फोन करके ना प्रज्ञा को पूछ लेती हूँ कि वो निकली है कि नहीं, और अगर नहीं निकली तो कब तक निकलेगी? आपको तो पता है ना, दवाई खाकर फिर मैं गहरी नींद में हो जाती हूँ, वो दरवाजा खटखटाती रहेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। और मैं तो भगवान से ये कह रही हूँ कि वो आज रात आए नहीं। दीजी कैसी बातें कर रहे हो आप? क्यों कैसी बात क्या कर रही हूँ, ठीक तो कह रही हूँ। अरे उसके अभी के हाथ की मेहंदी उसके हाथ में लग गई, शादी हो गई तो उसको बाहर रहना चाहिए कि यहाँ आना चाहिए? आप कुछ भी बोलते रहते। मैं कुछ नहीं बोलती, मैं ठीक बोलती हूँ। और सुन, तू उसको फोन लगा और उसको बोल कि आज रात क्या एक हफ्ता यहाँ आने की जरूरत है। क्या हुआ? पीजी बेल जा रही है और प्रज्ञा फोन ही नहीं उठा रही है। दरवाजा खटक रहा है सरला। हा? तेरे पे गई है ना, बिल्कुल तेरी जैसी बेटी है, है? खामा खा पैसे ना लग जाए तेरे। अरे वो बाहर बेल बजा रही है, जाके खोल। हाँ। अभी भी साथ में होगा। मैं खोल के आती हूँ। जा। अरे तू इतनी रात को वापस आ गया? और प्रज्ञा कहाँ है? पूरा पूरा प्रज्ञा कहाँ है? प्रज्ञा नहीं आई तेरे साथ? माँ वो प्रज्ञा थी। क्या है, जल्दी बता, मेरा दिल घबरा रहा है। आलिया ने प्रज्ञा दी पर फ्रॉड का इल्जाम लगा है और उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। अभी के सामने पुलिस उसको लेकर चली गई, उसने कुछ नहीं किया। और तू क्या कर रहा था माँ, हमें फोन क्यों नहीं किया? दादी मैं तो माँ को घर छोड़ने आया था, जब तक मैं वापस पहुंचा तब तक पुलिस उन्हें ऑलरेडी पकड़ कर ले जा रही थी। अभी ने कहा कि वो उसका ध्यान रखेगा और फिर उसे रात को खुद खुद घर पहुंचा देगा। अगर अभी वहां था तो उसके सामने। माँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ये क्या आप चप्पल पहन के सो रहे हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ही हूं। क्या लगा था आपको मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप अपनी मनमानी करेंगे? चलिए पहले मैं चप्पल उतार देती हूँ, फिर सो जाओ। अरे नहीं, ये क्यों हो रहा है मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती? तभी रह रहकर मुझे उसका वो चेहरा याद आ रहा है, जब जाते वक्त वो मुझे देख रही थी, मानो कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, प्लीज प्लीज रोक लो मुझे। मैंने क्यों नहीं रोका उसे, पर कैसे रोकता, कैसे पता करता कि उसने सच में ऐसा नहीं किया? क्यों ना मैं ये खुद ही उससे पूछ लूं, सामने से बात कर लूंगा तो तसल्ली भी हो जाएगी। हाँ यही ठीक रहेगा। ए सब जगह अच्छे से मच्छर मारना, ठीक है? ए लड़की, तेरे से कोई मिलने को आया है, आजा बाहर। क्यों क्यों किया तूने ऐसा?
वो भी उसके साथ जिसने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसने तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया, हर वक्त अपने पास रखा, अपने साथ रखा। तुम्हें वो सारे हक दिए जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। फैमिली के बीच फैमिली मेंबर बनाकर रखा, तुम्हारी फैमिली को अपना समझा, फिर क्यों? पता है आज तक किसी के दूर जाने पर मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना कि तुम्हारे जाने पर हुआ। पता है क्यों? क्योंकि आज तक मैंने किसी को अपने इतने करीब आने नहीं दी कि उनके जाने पर मुझे दुख हो। तो दूर जाने के दुख से ज्यादा मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मेरा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस बात पर भरोसा करूं। वो जो तुम मुझसे कह रही हो या वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा? आप मेरी आंखों में देखकर बताइए, आपको लगता है मैं आपको धोखा दे सकती? आपको एक दोस्त की जगह एक चोर नजर आती है, एक साथी की जगह एक धोखेबाज नजर आता। क्या आपको मेरी आंखों में सच्चाई की जगह सिर्फ झूठा फरेब नजर आता? मैं अपनी सफाई में आपसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ना मेरे पास कोई सबूत है ना कोई गवाह। इन कहते हैं आंखें इंसान की दीर्घ आय ना होता। मेरी आंखों में देखिए, आपको सच्चाई ही नजर आएगी। आपको दुख मेरे दूर जाने का नहीं हो रहा, आपको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। आंखों में देखकर बोली कि आपको बाकी रखता, मैं आपको धोखा दे सकती? धोखा तो दूर, मैं आपसे झूठ तक नहीं बोल सकती क्योंकि मैं आपसे प्यार करती प्यार करती। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं जानती हूँ कि आपको इस वक्त अजीब लग रही होगी। शायद आपको ये भी लगे कि मैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए आपसे झूठ बोल रही हूँ, चाल चल रही हूँ, लेकिन मैं आपसे नहीं कह रही कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए या जेल से छुड़वा दीजिए। बस अपने दिल की बात कह रही हूँ। अब आप भी अपने दिल की बात कह दीजिए, क्या आपके दिल को लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? आपको वाकई लगता है कि मैं आपके साथ ये सब कर सकती? मेरी आंखों पर ना सही, अपने दिल पर तो विश्वास कीजिए जो यकीन करने को तैयार नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ भी गलत कर सकती हूँ। हाँ, आपको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मैं आपसे प्यार करती? पर जो इंसान किसी से प्यार करता है उसे धोखा कैसे दे सकता है? तुम मेरी तनु से शादी होने वाली है अभी तो। कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। जिंदगी भर आपका साथ देना चाहती हूँ, ये मेरा फैसला। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, मैं जानता हूं तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी बातों तुम्हारी आंखों में नजर आती। अरे बात अब तुम भी जान लो कि अगर मेरे म्यूजिक के बाद मैं किसी से प्यार करता हूं तो तुम हो। मेरी दादी के बाद अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो तुम।
मेरे परिवार के बाद अगर मैं किसी के साथ रहना पसंद करता हूँ तो वो तो जिस तरह तुम मुझे मुसीबत में नहीं दे सकती ना, उसी तरह मैं भी तुम्हें तकलीफ में नहीं दे सकता। बहुत इल्जाम लग गए तुम पर, बहुत सह लिया तुमने, लेकिन अब बस ना, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन वो पुलिस इल्जाम लगा रहा मुझ पे। कुछ नहीं, मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगा उन्हें, मैं बोल दूंगा कि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया। और ये लोग अगर फिर भी नहीं माने तो मैं आले को बोलकर केस वापस ले लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ चलो, लेकिन भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? प्यार करती हो ना मुझसे? मैंने कुछ, मुझे पता है मेरी बच्ची कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती। गुस्से से ज्यादा दुख है मुझे, अभी के होते हुए इतना कुछ हो गया तेरे साथ और अभी ने कुछ कहा भी नहीं, उन्हें रोका भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आलिया और तनु के साथ तक नीचे गिर सकते, लेकिन अभी उसने भी तेरा साथ नहीं दिया। नहीं प्रज्ञा, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, उन्हें इन सब चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, उन्हें मुझ पर भरोसा है। माँ वो नहीं मानते कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। वो क्या है ना, आप जानती हो ना पुलिस कैसी होती है, उन्होंने बस वो पेपर्स देखे, उस पे वो नाम देखा और उन्हें लगा कि मैंने ये सब कुछ किया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया मुझे। इनफैक्ट इन्होंने तो पुलिस को रोकने की कोशिश की थी, वो पुलिस पर चिल्लाए भी, लेकिन इन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। माँ आप मेरा यकीन कीजिए, वो मेरी फिक्र भी करते हैं और उन्हें मुझ पर भरोसा भी है। अगर वो तुझ पर भरोसा करता ना तो वो यहाँ तुझसे मिलने आता, तुझे छुड़ाने की कोशिश करता। इतना बड़ा रॉकस्टार है ना वो, इतने सारे लोगों को जानता, कम से कम किसी से तो मदद मांगता, अगर खुद नहीं आया तो कम से कम एक वकील तो भेज देता। लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ऐसा, आराम से वहां घर पे बैठा है। क्या मैं नहीं जानती कि मुझसे ज्यादा तुझे तकलीफ हो रही है कि वो तुझे यहां पूछने नहीं, तुझे छुड़ाने नहीं आया, तेरा हाल चाल जानने नहीं आया। और आज जो आप उसको एक मौका देने जा रहे हैं, उसके बाद जब वो वापस आएगी तो वो फिर से कोशिश करेगी आपको बेवकूफ बनाने की, तो क्या आप उसे ऐसा करने देंगे? भाई ऑल आई एम सेइंग इज कि आज पुलिस को अपना काम करने दीजिए, इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, उन्हें सच पता करने दीजिए। अगर कुछ नहीं पता चला तो उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आप उसे इतना फेवर मत कीजिए कि आपके अपनों को तकलीफ पहुंचे। सरला जी आप अभी कहाँ? वो तो अपने कमरे में है। रुकिए, आप अभी से नहीं मिल सकती। तनु हट जा, मुझे अभी से मिलना है। किस अधिकार से मिलना? आपका और आपकी बेटी का अभी पे कोई हक नहीं है, और अभी इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहता। आप जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से वापस चली जाइए। तू किस अधिकार से मुझे रोक रही है? अभी मेरा होने वाला पति है और मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। अब किसके नाजायज बच्चे को तुमने उसका एक्सक्यूज मी इस तरीके से बात नहीं कर सकती आप मुझसे? इसी तरीके से बात करूंगी मैं तुझसे, कि तुम इसी के लायक है। अभी की यादाश्त का ये मेरी नहीं, अरे पति पत्नी का नाटक मेरे सामने मत कर, क्योंकि अगर मैंने तेरे कारनामों की असलियत अभी को बता दी ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। और हाँ हट जा, वरना यहीं से चीख चीख कर मैं अभी को सच्चाई बता दूंगी। ऐसा नहीं कर सकती आप, क्योंकि ऐसा करके आप अभी की जिंदगी के साथ खेलेंगी। और तुम लोग जो मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो वो कुछ नहीं, मैं चुपचाप खड़ी सब कुछ सहन करती रहूं। अरे अगर मैं चुप हूं ना तो सिर्फ प्रज्ञा की वजह से, लेकिन आज अपनी बेटी को जेल में देखकर आ रही हूं मैं, और हो सकता है कि मेरा मुंह खुल जाए अभी के सामने, उसके सामने मैं सारी सच्चाई तेरी और आलिया की बता दूं। ऐसी बात नहीं है पांडे जी, वो
मैंने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन सारे सबूत गवाह उसके खिलाफ थे। तो सबूत? अरे सबूत और गवाह तो परायों के लिए चाहिए होते हैं। अब तो अकेले सबूत और गवाह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी सच्चाई उनकी उनकी आंखों में दिखाई दे देती है। और आपने तो उसको नौकरी पे रखने से पहले किसी से सबूत और गवाह गवाही मांगी ही नहीं ना। फिर आपको कैसे पता चल गया वो एक अच्छी सच्ची और मेहनती लड़की? क्योंकि वो सब आपको उसकी आंखों में दिखाई दिया। इस बार जब पुलिस उसको ले जा रही थी, तब आपने उसकी आंखों में झांककर क्यों नहीं देखा कि वो सच्चाई अभी भी उसकी आंखों में है? या आपको ऐसा लगा कि सब झूठ है, वो आपसे झूठ बोल रही है, धोखा देने जा रही है आपको? आपके पैसों पे नजर है उसकी। उसने तो आपके परिवार वालों के साथ भी कितना अच्छा किया, कितना ध्यान रखती थी वो उनका, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही देखकर खुश रहते थे। आपकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो झूठी लालची साबित हो रही है। हमेशा कदम से कदम मिला के चला उसने, लेकिन आपने सही समय पर उसका साथ नहीं दिया। अरे मानती हूँ, अगर सारे सबूत और गवाह भी उसके खिलाफ थे, तो भी आपका फर्ज बनता था कि आप उसके साथ खड़े रहते, क्योंकि वो आपकी पत्नी। आप रुक क्यों गई? बोलिए ना। प्रज्ञा, अब तो तू हमेशा अभी के साथ ही रहती है ना, मेरा मतलब है उसके साथ काम करती है, और तो वो कभी कभी अपने मन की बात तुझसे कर लेता होगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तू भी कभी बातों बातों में उसे ये कह दे कि तू ही उसकी पत्नी है? हो सकता है और होगा भी, लेकिन सही वक्त आने पर। माँ, डॉक्टर ने कहा था ना कि हम उन्हें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जिससे वो सडन शॉक में चले जाए। और फिर मेरे लिए उनकी पत्नी बनकर रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले ठीक हो जाए। इसलिए मैं इस वक्त उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं बता सकती जिसमें उनकी तबीयत बिगड़ने का रिस्क हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है वो, उसे अच्छे से जानती हूँ मैं, बहुत अच्छी है, सीधी सादी, मेहनती, दिल की साफ। और आपने इतना सब कुछ हो जाने दिया उसके साथ, वो तो आपको अपना मानती है, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपने, आपको शायद ये सब झूठ लगा ना, आपको लगा कि वो आपके पैसे के पीछे आपके साथ धोखा करना चाहती, आपको उसकी सच्चाई दिखाई नहीं दी। फिर तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको तो मेरे जज्बात भी समझ में नहीं आएंगे। अरे जिसे मेरी बेटी की सच्चाई दिखाई नहीं थी, वो इंसान मुझे क्या समझेगा? मुझे तो उससे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। गलत इंसान पर भरोसा किया उसने, गलत इंसान पर, क्योंकि आप एक गलत इंसान हो, और एक गलत इंसान से मैंने उम्मीद लगाकर गलत किया। मेरी सच्ची और पूरी सी बच्ची के साथ गलत किया है आपने, सब कुछ गलत। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।